हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू निधि साइंस एकेडमी. वी वर स्टडिंग चैप्टर 2 सॉल्यूशंस. इन दैट वी वर कवरिंग द टॉपिक वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन. अप टू दैट वी हैव डन वेपर ऑफ प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन में हमने रेनॉल्ड्स लॉ पढ़ा है. जैसे इसमें सॉल्यूशन जो वॉलेटाइल जो कि उड़ जाते हैं, जैसे लिक्विड जो है, जैसे आप देखो कपूर है, उड़ जाता है. वॉलेटाइल मतलब उड़ जाना. तो इसमें वॉलेटाइल लिक्विड्स बताए हैं. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शनल जो हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं. ओके, पार्शियल वेपर प्रेशर कंपोनेंट का सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन पे डिपेंडेंट है. ओके, अगर टोटल प्रेशर है, पी आर टोटल है और पी ए और पी वी पार्शियल प्रेशर है यहाँ पे. ओके, पी टोटल, ओके, पी ए एंड पी बी जो हैं ये क्या हैं? दीज आर पार्शियल प्रेशर्स ऑफ टू कंपोनेंट्स. ओके, पार्शियल प्रेशर किस में? मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड है. ओके, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप होता है पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में, जिसको रॉल्स लॉ बोलते हैं, आर ए ओ. ओके, जो कि ये बताता है कि सॉल्यूशन जो भी वॉलेटाइल उड़ने वाले लिक्विड का है वो पार्शियल प्रेशर दोनों कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर पर डिपेंडेंट होता है, जो कि उसके मोल फ्रैक्शन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. तो फॉर कंपोनेंट ए हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे उसको? और कंपोनेंट ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए. ओके, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट पी ए, ये किसका वेपर प्रेशर है? पी ए इज प्योर कंपोनेंट का प्रेशर. वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट. ओके, ऐसे ही कंपोनेंट बी के लिए है. ओके, पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी. और कंपोनेंट बी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी. पी बी इज इक्वल टू तो डॉल्टन्स लॉ जो होता है पार्शियल प्रेशर का, इसके हिसाब से टोटल प्रेशर जो होता है सॉल्यूशन फेज का कंटेनर में वो सम है पार्शियल प्रेशर का. ओके, तो जो पार्शियल प्रेशर दोनों कंपोनेंट का उसको मिला के बनेगा, तो पी ए प्लस पी वी. तो इस वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट करेंगे, पी ए और पी वी की वैल्यू जब करेंगे तो कितना हो जाएगा? पी टोटल इज इक्वल टू, इसकी जगह क्या आ जाएगा? पी ए एक्स ए प्लस पी बी एक्स बी. क्लियर? फिर उसको बाहर ले लेंगे, हम कॉमन ले लेंगे, तो पी ए इज इक्वल टू वन माइनस एक्स ए प्लस पी बी एक्स बी. ओके, फिर इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए एक्स. तो इस तरह से हम सम टोटल वेपर प्रेशर का इसमें निकालेंगे. तो जैसे जैसे फॉर्मूला जो हमेशा जब निकालते हैं ना, तो कुछ लोगों को लगता है बोरिंग है फॉर्मूला निकालना, पर अगर आप फॉर्मूला निकालना सीख लेते हैं, अगर आप फॉर्मूला निकालना सीख लेते हैं तो उससे क्या होता है ना कि अंदर से कोई क्वेश्चन आ रहा है तो यू कैन डू दैट ऑल्सो. इट विल बी ईजियर टू डू. थोड़ा सा भी कुछ भी चेंज आएगा क्वेश्चन में
तो आपको पूरा फॉर्मूला पता है, बीच में से कोई शॉर्ट में पूछ लिया तो आप उसको फॉर्मूले को निकाल के आगे कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है रॉल्स वेव्स में क्या कंक्लूड क्या करता है ये लॉ। ये क्या कंक्लूड करता है कि टोटल वेपर प्रेशर जो है सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड है एक कंपोनेंट का। वेपर प्रेशर क्या कंक्लूड करता है जो रॉल्स लॉ है, रॉल्स लॉ क्या कंक्लूड करता है कि टोटल वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन पे है किसी एक कंपोनेंट पे डिपेंडेंट है, ऑन एनी वन कंपोनेंट पे भी हो सकता है उसका प्रेशर। कैन उसके मोल फ्रैक्शन से रिलेट करो, या टोटल वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन पे इट वो लीनियरली उसके साथ वेरी करता है, किसके साथ, मोल फ्रैक्शन के साथ। ओके, शॉर्ट में मैं लिखूंगी। और वेपर प्रेशर जो है प्योर कंपोनेंट ए और बी, टोटल वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का है वो डिक्रीज और इंक्रीज होता है, डिक्रीज और इंक्रीज होता है, किस पर डिपेंड करता है, मोल फ्रैक्शन पे, जो हमने बताया था, क्योंकि ये इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट। तो इसी तरह से हम मोल फ्रैक्शन और उसका एक डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे जिससे हमें और क्लियर होगा इसका लीनियर क्या रिलेशन है। ओके, ओके, ये हो गया आपका वेपर प्रेशर, ये टोटल प्रेशर हो गया, ये बी बना दिया, ये हमने एक्स ए इजिकल टू 1, एक्स बी इजिकल टू 0, और ये मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन तो इसमें भी एक्स इजिकल टू 0, एक्स बी इजिकल टू 1, लाइक दिस, ऐसे इनका लीनियर रहेगा। ये पी टोटल हो गया आपका, पी ए प्लस पी बी। ओके, ये हो गया आपका क्लियर। ये इस तरह से इसका लीनियर इक्वेशन आ जाएगा। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर हम ये कहें कि पार्शियल प्रेशर जो है वो, पार्शियल प्रेशर जो है वो अगर पी ए और कंपोजिशन जो है, पार्शियल प्रेशर जो है कंपोनेंट का वाई ए और वाई बी है। ओके, वे जो वेपर फेस है इक्विलिब्रियम का विद द सॉल्यूशन, कैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट से हमें पता लगता है, कंपोजिशन ऑफ वेपर फेस इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड बाय द पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, जैसे वाई ए एंड वाई बी, ये क्या है, ये मोल फ्रैक्शंस हैं। वाई ए एंड वाई बी क्या है, मोल फ्रैक्शंस हैं। मोल फ्रैक्शंस किसके हैं, ये मोल फ्रैक्शंस हैं ए और बी के। ओके, मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेस, तो पी ए इज इक्वल टू वाई ए पी टोटल और पी बी इज इक्वल टू वाई बी पी टोटल। तो कुछ इस तरह से इक्वेशन हो जाएगी, एक प्लॉट बना पी और पी बी का मोल फ्रैक्शन के साथ, लीनियर प्लॉट बनाइए, क्लियर, एक लीनियर लीनियर प्लॉट बनाए। ओके, इससे रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल जैसे करेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा। जैसे वेपर प्रेशर है, जैसे हमने वेपर प्रेशर ऑफ
सी एच थ्री सी एल का कितना है 540 एम एम एच जी है, ठीक है। और सी एच टू सी एल टू का कितना है, सी एच टू सी एल टू का है, सी एच टू सी एल टू का है, सी एच टू सी एल टू का है 402। ओके, तो 101 ग्राम और एच सी एल और 85 ग्राम इनको मिक्स किया हमने। किसको मिक्स किया, 101 ग्राम सी एच थ्री सी एल प्लस सी एच टू सी एल टू, ये कितने ग्राम है, ये 85 ग्राम है। ओके, इसको नीचे लिख सकते हैं, इनको क्या किया गया, मिक्स किया हमने। ओके, तो इसको मिक्स किया था फिर उनमें प्रेशर एट विच द सॉल्यूशन, हमें इसमें प्रेशर निकालना है जब वो बॉयल करता है। तो बॉइलिंग प्रेशर कैसे निकालेंगे, बॉइलिंग कब होता है, व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर जो है इक्वल हो जाता है वेपर प्रेशर के। कब बॉयल होता है कोई भी चीज़, व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर। ओके, तो बॉइलिंग प्रेशर को हम कैसे लिखेंगे, बॉइलिंग प्रेशर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये कितना हो गया, पी ए एक्स ए बी एक्स बी। ओके, अब हम ए को करेंगे, ए हमने किसको मान लिया, मिथाइल क्लोराइड को, बी सी एच टू सी एल टू को। तो टोटल प्रेशर कितना हुआ, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू 540 इंटू 2/3 प्लस 402 इंटू 1/3 तो इज इक्वल टू 360 प्लस 134 इज इक्वल टू आ जाएगा 494 एम एम एच जी, है ना, इतना मरकरी हो गया। तो सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट कौन सा है हमारा, यहाँ पे सॉल्यूट है सी एच टू सी एल टू एज मास। सॉल्यूट क्या है, कम है। तो इसको जो हम करेंगे तो ये हो गया सी एच टू सी एल टू इज इक्वल टू 402 इंटू 1/3 अपॉन 494। तो ये आ जाए आपका 134 अपॉन 494। क्लियर, ऐसे ही आप जब दूसरा न्यूमेरिकल करोगे तो ये आ जाएगा सी एच थ्री सी एल। ओके, तो इज इक्वल टू 540 इंटू 2/3 अपॉन 494 इज इक्वल टू 360 अपॉन 494। क्लियर, अब क्या है, ये हो जाएगा सी एच टू सी एल टू अपॉन सी एच सी एल थ्री। तो ये एन सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन एन सॉल्वेंट, तो हो गया 134 अपॉन 360, तो ये आ गया 0.372। ओके, तो इस तरह से हमने मोलर रेशियो सॉल्यूट का निकाला, सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का वेपर फेस में जबकि इक्विलिब्रियम में था सॉल्यूशन। तो दैट्स हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो बीच बीच में न्यूमेरिकल करने से हमें क्लियर होता जाता है अपना टॉपिक। वेपर प्रेशर ऑफ, अब हम टॉपिक में लेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। ओके, वेपर प्रेशर क्या है सॉल्यूशन का, सॉलिड का
सॉल्यूशन किसका है? सॉलिड का लिक्विड में. ओके, प्योर लिक्विड का जो है उसके इंटायर सरफेस जो होती है मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड ऑक्यूपाई करते हैं. मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड जो है जो सरफेस पे सरफेस को वही ऑक्यूपाई करके रखते हैं. और नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया जाता है इसमें, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड. तो वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का है किसी टेम्परेचर पे ज़्यादातर जो होता है लोअर होता है. ओके, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो हमेशा कम होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट की कंपेयर में. क्लियर? तो सरफेस जो कवर होती है, क्योंकि सॉल्यूशन के केस में क्या होता है सरफेस पे कुछ कुछ सॉल्यूट भी होते हैं. सरफेस कवर्ड रहती है सम सॉल्यूट पार्टिकल से भी, या सॉल्यूट यू कैन से सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स से. इस कारण वेपर प्रेशर सॉल्यूशंस का कम होता है. ओके, तो सम सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स आल्सो सो सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है और रेट ऑफ वेपोराइजेशन जो है सॉल्वेंट की डिक्रीज हो जाती है. सॉल्यूशन में सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स रहता है उससे सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है. ओके, उससे लोअर फिर वेपर प्रेशर हो जाता है उसमें. तो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर जो सॉल्वेंट का है वो डिपेंड करता है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट अगर प्रेजेंट है तो. ओके, तो रॉल्स लॉ में वेपर प्रेशर बताया गया सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन में. इस तरह से उसका डायग्राम दिया गया है, ये देखिए. मेन चीज़ होती है समझना. ये सब चीज़ें डिटेल में आपको बुक्स में मिल जाती हैं, पर वो आपके माइंड में क्लियर हुआ कि नहीं हुआ वेपर प्रेशर क्या है सॉल्वेंट का. ओके, वेपर प्रेशर. ओके, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ पी इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट. पी क्या है? वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का. तो कई बार इसमें भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट होते हैं और एक्स वन जो है वो है वो मोल फ्रैक्शन है. क्लियर? और पी वन जो है वो है वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट. ओके, तो ये हो जाएगा पी वन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स वन के. तो पी वन इज इक्वल टू एक्स वन पी वन. ओके, तो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट जो है वो इक्वल टू है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर के इक्वल है. तो एक प्लॉट हमने बनाया वेपर प्रेशर में और सॉल्वेंट के बीच में. तो ये प्रोपोर्शनली कांस्टेंट आया वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन. ओके, एक्स क्या है? ये मोल फ्रैक्शन है. ओके, तो लाइक दिस वी हैव टू डू द क्वेश्चंस एंड वी कैन अंडरस्टैंड वेपर प्रेशर क्या होता है सॉल्यूशन का सॉलिड्स में. ओके, तो इस तरह से जैसे एग्जांपल क्या है, सॉलिड सॉल्यूशन कौन सा है, कोई एग्जांपल आप बताओ. एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन तो आ जाएगा कॉपर किस में? गोल्ड में. ओके, तो इस तरह के एग्जांपल्स होते हैं इसके अंदर. इंक्रीज होता है एक्वस सॉल्यूशन में टेम्परेचर क्लोज वेसल में तो मोलैरिटी डिक्रीज होती है. ओके, सेल्युबिलिटी ऑफ गैस जो है वो डिक्रीज होती है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है. इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें से बन सकते हैं.
इसके साथ ही और आएंगे हम किस पे, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस पे। तो सॉल्यूशन जो रॉल्स को फॉलो करते हैं इंटायर रेंज में कंसंट्रेशन में, इनको बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। ओके, वेपर प्रेशर सेम होता है जितना वेपर प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो इसमें हम देखेंगे सॉल्यूशन जो कि फॉलो करते हैं रॉड्स को, तो इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन जो होती है उसको आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। एक तरह से सॉल्यूशन जो कि फॉलो करते हैं, विच फॉलो रॉल्स लॉ ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, उनको हम क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर? तो इस तरह से इसके लिए एक फॉर्मूला बनेगा, इक्वल टू, तो थर्मोडायनेमिक डाटा होता है सॉल्यूशन का जो कि मॉलिकुलर लेवल से पता लगता है। वेपर प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इवोपरेशन से। ओके, कितना इवोपरेट होगा इतना प्रेशर बनेगा, और इवोपरेशन किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेंडेंसी टू लीव लिक्विड सरफेस। ये किससे है, टेंडेंसी सरफेस से, कैसे कब लीव करेंगे, टेंडेंसी टू लीव लिक्विड सरफेस कैसे मॉलिक्यूल्स, लिक्विड सरफेस कैसे मॉलिक्यूल से होती हैं। ओके, और जो टेंडेंसी टू लीव है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जितना कम होगा उतना ही जल्दी सरफेस लीव करेंगे, उतना ही ऑपरेशन होगा उतना ही वेपर प्रेशर होगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। क्लियर? तो वेपर प्रेशर जो ऑब्जर्व करते हैं वो सेम है वेपर प्रेशर जितना कैलकुलेट करते हैं, तो कोई चेंज नहीं होना चाहिए इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में या इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में। ओके, जैसा ऑब्जर्व करते हैं उतना ही प्रेशर होता है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को हम बोलते हैं कोहेसिव। ओके, और दूसरा होता है एडहेसिव। ओके, तो इस तरह से होता है कोहेसिव और इंट्रामोलिकुलर फोर्स होते हैं एडहेसिव और कोहेसिव। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ए माइनस ए इज इक्वल टू ई बी माइनस बी इज इक्वल टू ई ए माइनस बी। तो ए माइनस ए माइनस बी ये इंटरमोलिकुलर एनर्जीज हैं। ओके, ये क्या है, दीज आर इंटरमोलिक्यूलर एनर्जीज। ओके, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अट्रैक्टिव फोर्स। और ये इक्वल कब होंगे, जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट मॉलिक्यूल होते हैं वो सिमिलर स्ट्रक्चर और मोलर मास सेम होंगे,
एंड बी जो हैं वो उनके सिमिलर स्ट्रक्चर होंगे और मोलर मास अगर सिमिलर होंगे। ओके, द फोर्सेस विल बी इक्वल व्हेन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल और सॉल्यूट मॉलिक्यूल। ओके, तो कम्बिनेशन जो होता है बेंजीन और टोल्यून का, एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन का, आइडियल सॉल्यूशन है। फिर भी नो सॉल्यूशन इज परफेक्टली आइडियल तो कोई भी नहीं होता, फिर भी कम्बिनेशन किसका, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, ये काफ़ी हद तक आइडियल सॉल्यूशन है। ओके, बेंजीन एंड टोल्यून। क्लियर? तो आइडियल सॉल्यूशन में हम कुछ और भी कंक्लूड कर सकते हैं, जैसे ओके इज इक्वल टू ज़ीरो। ये भी ज़ीरो है, तो एनर्जीज क्या है, सेम है बिफोर और आफ्टर मेकिंग सॉल्यूशन। ओके, तो फॉर अदर थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स भी डिडक्ट किए जा सकते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। ओके, एनर्जी लेवल इसका कैलकुलेट हो रहा है सॉल्यूशन का, लेस देन ज़ीरो। के थर्मोडायनेमिक्स पैटर्न जो है इनके रिड्यूस किए, हीट जो है सॉल्यूशन की ज़ीरो है अगर एनर्जी ज़ीरो है तो, वॉल्यूम अगर ज़ीरो है तो। ओके, तो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर आल्को के को भी हम निकाल सकते हैं किसी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस से, तो इसका भी फॉर्मेशन आइडियल सॉल्यूशन इसका भी निकल सकता है क्लियरली। ओके, इसका भी ग्राफ दे रखा है कि आइडियल सॉल्यूशन को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। तो इसमें क्या है, लेफ्ट टू राइट एक्सट्रीम हम इनफाइनाइट कम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी है डिफरेंट सॉल्यूशन के। ओके, जो पॉइंट पी है वो पर्टिकुलर कम्बिनेशन है सॉल्यूशन का, एक तरह से इट इज़ अ पर्टिकुलर कम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूशन, और जिससे कि हमें इसको पी सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। तो जैसे हमें पी बी एक्स बी फाइंड आउट करना है, तो हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऑन एल। ओके, सिमिलरली एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम, एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सेकंड पे, फिर फर्स्ट पे करेंगे, फिर सेकंड पे एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ओके, तो हमें मिलेगा पी ए पी ए एक्स ए। तो जो पी सॉल्यूशन है इज इक्वल टू पी क्यू प्लस पी आर, सॉरी पी क्यू प्लस पी आर, तो पी एस इज इक्वल टू पी क्यू प्लस पी आर, पी एस इज इक्वल टू पी आर प्लस आर एस, क्योंकि पी क्यू इज इक्वल टू आर एस। तो फोकस लोकस ऑफ पॉइंट क्या है, एस है, टेकिंग द लोकस ऑफ पॉइंट क्या है, इसमें लोकस ऑफ पॉइंट इज एस विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट लोकेशन ऑफ पी। स्ट्रेट लाइन होगी हमारी जो कि
ए से बी बी तक जाएगी स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और उससे वेरियस कॉम्बिनेशन आएंगे. लेस वॉलेटाइल, और इससे हम ये कंक्लूड करेंगे कि पी सॉल्यूशन जो है प्रेशर ऑफ लाइज बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ लेस वॉलेटाइल कंपोनेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट. वेपर प्रेशर ऑफ लेस वॉलेटाइल कंपोनेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट के बीच में ही क्या लाई करता है, एक तरह से कर्व से क्या बताया था, पी सॉल्यूशन जो है इन दोनों के बीच में बनता है. अब ये देखिए, मैं आपको ग्राफ बताती हूँ. ये ग्राफ इस तरीके से बनेगा. ओके, दिस एक्स इज इक्वल टू वन, ये आपका पी आ गया, ये पी ए वी हैव ड्रॉन इट. ओके, दिस इज एस, दिस इज आर, पी ए, और ये हो गया आपका पी बी. एक्स बी इज इक्वल टू वन. ओके, इस तरीके से ड्रॉ होगा. ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड, और दिस विल बी द थर्ड. समथिंग वी विल हैव टू इरेज हियर. ओके, लाइक दिस वी विल मेक. ओके, इसको अनदर कलर से करते हैं, इससे वो क्लियर हो जाए. यहाँ एस, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड. ओके, लाइक दिस वी विल ड्रॉ. यही ग्राफ जो है, मैं आपको पूरा क्लियर बताया है अभी, दैट यू कैन डू इट. आर, दिस इज क्यू. ओके, एक्स ए इज इक्वल टू एक्स बी. ओके, तो फोकस ऑफ पॉइंट एस विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट लोकेशन ऑफ पी, वी एफ स्ट्रेट लाइन हो गया, ज्वाइन किया हमने पी ए और पी बी से. ओके, और परपेंडिकुलर बनाया हमने फर्स्ट में, फिर सेकेंड में एक परपेंडिकुलर बनाया. ओके, तो ऐसे दो परपेंडिकुलर बन गया, एक इधर जा रहा है, देखिए दिस लाइक दिस, एक ये परपेंडिकुलर बन गया. ओके, तो वेरियस कम्बिनेशन बने हम. तो पी सॉल्यूशन क्या हुआ, डिफरेंट लोकेशन ऑफ पी है, वो स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग पी ए एंड पी बी. अगर हम एस को फोकस में लें तो कई कम्बिनेशन बनेंगे, और कर्व जो है वो हमें बता रहा है कि ये जो प्रेशर है, प्रेशर जो है सॉल्यूशन का वो लाइज करता है वेपर प्रेशर, जो कि लेस वॉलेटाइल कंपोनेंट और मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट, चाहे वो सॉल्यूट हो चाहे वो सॉल्वेंट हो. क्लियर? तो ये हमने आइडियल सॉल्यूशन के बारे में यहाँ पे बताया. अब नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में. ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द आइडियल सॉल्यूशन वेल.
ओके, नाउ टुमारो वी विल स्टडी अबाउट, टुडे वी हैव स्टडी अबाउट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, देन आइडियल सॉल्यूशन. ओके, अब कल हम पढ़ेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन. टॉपिक वाइज करते जाइए, साथ में न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते जाइए. एंड आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट वेल. सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. ओके, थैंक यू.